अभी अभी सिवान से बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि देसी कट्टा और कारतूस के साथ चार गिरफ्तार। तब तक छोटा सा ब्रेक। राजघराना मेंस कलेक्शन और साड़ी सेंटर शेखर सिनेमा के बगल में आम्रपाली होटल के ठीक सामने हर तरह के साड़ी और मेंस कलेक्शन के लिए पधारे डॉक्टर अनुपम आदित्य मिश्र AMDU फिजिशियन। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हर एक असाध्य रोगों का सफल इलाज होता है। जरूर एक बार पधारें। मेरा मोबाइल नंबर 8084071830। नमस्कार प्रणाम। हम विनोद भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी अभी सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज से बहुत बड़ा खबर अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर आ रहा बा। सिवान जिला के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के एगो नहर पुल के नज़दीक चार गो अपराधी गिरफ्तार कल गए बड़ सन, जौन बहुत बड़ा घटना के कोनो अंजाम देवे खातिर बैठे रहल सन। थाना प्रभारी के द्वारा बताओल गए कि उकुल के लग से एगो देसी कट्टा, तीन गो जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में लूट के जेवरात आ लैपटॉप बरामद भइल बा। बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बतकई पर सबसे पहले रुआ के देखा रहल बनी, लाइव देखा रहल बनी। उ जौन गिरफ्तारी भइल बा, उ जौन गिरफ्तार चोर बाड़ सन, बदमाश बाड़ सन, ओमे सूरज कुमार, अर्जुन कुमार सिंह, बलिंदर सिंह समेत कई आदमी एगो और अपराधी शामिल बा। तो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर भोजपुरी बत कही पर सबसे पहले रुआ के देखा रहल बनी। रउरा के बता दी कि लगातार सिवान जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में आजकल आपराधिक गतिविधि बढ़ गई बा। ओजा लकड़ी नबीगंज में और ही बता दी रुआ के कि सिवान SP शैलेश कुमार सिन्हा जी के भी दौरा भई रहा। तो बहुत बड़ा खबर, अहम खबर भोजपुरी बत कही पर सब्सक्राइब कर ली। विज्ञान केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ हुआ। बिलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय को मेरे तरफ से ये रामनवमी 9 वर्ष की एक शुभकामना है। वे स्वस्थ रहें, खुशी रहें, आनंदित रहें और सब मेल मिलाप से अपना जीवन व्यतीत करें। परिचय गुरु, मैं बिलासगिरी विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय। प्रियंका ज्वेलर्स मैरवा नई बाजार में स्थित एगो ऐसन ज्वेलर्स के दुकान जहां हर तरह के गहना रौरा के शुद्ध रूप में मिली, एक बार जरूर पधारी। डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी पटना के एगो बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन, जौन हर दूसरा और चौथा जुमेरात यानी कि गुरुवार के सिवान में आवतनी, हर तरह के नस से संबंधित जौन रोग बा ओकरा के देखतनी, एक बार जरूर मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।